बात है सोमदत्त, तुम श्रेष्ठी शिवचरण के पुत्र हो। तुम्हारा कार्य है व्यापार में सफल होना, न कि धनुष से बाण चलाना। मैं जानता हूं तुम क्षत्रिय पुत्र हो, परंतु हर विद्या मैंने तुम्हारे साथ ही सीखी है। फिर भी मेरा लक्ष्य कैसे चूक गया? जैसे व्यापार में मेरा लक्ष्य चूक सकता है, यदि मैं व्यापार करूंगा तो घाटे में ही रहूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें घाटे में थोड़े ही ना रहने दूंगा। अब घर चलते हैं, माताएं प्रतीक्षा कर रही हैं। चलिए। बेटा सोमदत्त, कहाँ हो तुम दोनों? वो दोनों तो जो खेलने गए हैं अब तक नहीं लौटे, उन दोनों का बचपना तो अभी तक नहीं गया। भगवान, अब तो ये उनके खेल खेलने के दिन हैं, आते ही होंगे। माँ माँ माँ, हम आ गए। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठीक है, पहले तुम दोनों ये बताओ कि शिवालय से पूजा करके आ रहे हो ना? लगता है आज शिवालय नहीं गए। यदि शिव पूजन नहीं किया तो भोजन नहीं मिलेगा। खेल खेल में तुम दोनों भगवान को भी भूल जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। बेटा जाओ, पहले शिवालय में पूजा करके आओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ तो इनके मन मंदिर में रहते हैं। सुमति बहन, भगवान भोलेनाथ की कृपा इन पर निरंतर बरसती ही रहती है। ब्रह्मचारी भैया, कहाँ थे इतने वर्ष? तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गईं। पुत्रों, प्रणाम करो, ये तुम्हारे मामाश्री हैं। प्रणाम मामाश्री। सदा सुखी रहो, भगवान भोलेनाथ आपका नाम उज्जवल करें, आप अपने हर कार्य में सफल हो। ब्रह्मचारी जी, आश्चर्य की बात है, आपने इतने वर्षों तक अपनी बहन और भांजे की सुध नहीं ली। हाँ भैया, मैंने सुमति बहन से कई बार आपके बारे में पूछा, परंतु ये कैसे बताती कि आप कहाँ हो? भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए इधर उधर भटकता रहता हूँ। इस बार बहुत दूर देश निकल गया था, बहुत समय के पश्चात यहाँ आने का योग बना है, वो भी एक विशेष उद्देश्य से। बस, तो फिर आप कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहिए और दोनों भाइयों की सेवा ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं श्रेष्ठी भाई, मैं यहाँ एक विशेष संदेश देने आया हूँ। कैसा संदेश भैया? महात्मा शिव योगी ने भद्रायु को धूर्जटी के आश्रम पर आमंत्रित किया है। धूर्जटी के आश्रम पर? बहन सुमति, अब धूर्जटी के नाम से घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवर धूर्जटी अब पूर्ण रूप से बदल गए हैं। क्रोध से भरे धूर्जटी अब करुणामय हो गए हैं। वे भी तुम दोनों से मिलने के लिए अति उत्सुक हैं। ये धूर्जटी कौन है मामाश्री? धूर्जटी एक शिव भक्त है, जो पहले पाषाण के समान कठोर थे, परंतु अब पुष्प के समान कोमल हो गए हैं।
तुम इनसे मिलोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। क्या शिव योगी वहाँ पधारे हैं? हाँ, मैं उनका ही तो संदेश लेकर यहाँ आया हूँ। ठीक है, हम शीघ्र ही शिव योगी की सेवा में पहुँचेंगे। वे तो भद्रायु के जीवन दाता हैं, उनका उपकार हम भला कैसे भूल सकते हैं। तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे लिए रथ की व्यवस्था कर दूंगा बहन। ब्रह्मचारी जी, मेरी ओर से शिव योगी महात्मा को निवेदन करना कि एक बार फिर से हमारे घर पधार कर हमारा घर पालन करें। आपका यह संदेश मैं उन्हें अवश्य दूंगा। श्रेष्ठीवर, अब आप मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम योगीराज, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया। आप में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब आपके आश्रम का वातावरण हमें प्रिय लगने लगा है। ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है योगीराज। यदि आप बार बार मुझे संबोधित करके उपदेश न देते तो मेरे मिथ्याभिमान का अंकुर नष्ट न होता और मैं पतन के मार्ग पर बढ़ता ही चला जाता। भूतकाल की बातों का स्मरण करके कोई लाभ नहीं, भविष्य की ओर देखें और उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। जटी आश्रम में आपका स्वागत है। अब मैं महारानी कहां रही गुरुवर? आपकी कृपा से मेरा ये पद तो बहुत पीछे छूट गया। हम पर व्यंग बाण न बरसाएं महारानी सुमति, हम अपने किए पर पछता रहे हैं। हमारे हृदय से क्रोध, द्वेष और प्रतिशोध की भावनाएं समाप्त हो गई हैं। मात्र शिव योगी की कृपा से हमारा हृदय स्वच्छ, निर्मल और शिव भक्त से पूर्ण हो गया है। तुम्हारी हर कामना पूर्ण हो, तुम्हें यश, वैभव और अतुल बल प्राप्त हो। आपने हमारा स्मरण किया, हम कृतज्ञ हो गए। वत्स भद्रायु, तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। हम आज तुम्हें ऐसी अद्भुत सिद्धियां प्रदान करेंगे जो साधारण मनुष्य के लिए दुर्लभ है। सिद्धियां? हाँ, वत्स भद्रायु, लो ये शंख, यह चमत्कारी शंख अपनी ध्वनि के ही समान दूर दूर तक तुम्हारे यश का प्रसार करेगा। लो, इसे बजाओ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। योगीराज, अद्भुत है ये शंख। सचमुच चमत्कारी है ये शंख। वत्स भद्रायु, इसे महात्मा शिव योगी का प्रसाद ही समझो। भद्रायु, इस शंख को बजाते ही तुम्हारे मन में शिव भक्ति का संचार होगा। भद्रायु, इस खड़क को स्पर्श करते ही तुम्हारे शरीर में एक सहस्त्र हाथियों का बल समा जाएगा। संसार का कोई भी मानव तुम्हें युद्ध में पराजित नहीं कर पाएगा। मैं अपने भीतर सहस्त्र हाथियों का बल अनुभव कर रहा हूं। प्रभु, आप धन्य हैं योगीराज, आप धन्य हैं। भद्रायु, अपने सहस्त्र हाथियों का बल
प्रमाणित करने के लिए जाओ उस सामने वाले पर्वत पर प्रहार करके उसे टुकड़े टुकड़े कर जाओ। जो आज्ञा योगीराज। वत्स भद्रायु, तुम सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त करके महाबली हो गए। ये सब योगी राज की कृपा है। ओम नमः शिवाय। यह शिव कवच सदा तुम्हारी रक्षा करेगा भद्रायु, इसे कभी अपने से अलग न होने देना। जो आज्ञा योगीराज। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। राजगुरु धूर्जटी, आप स्वप्न नहीं साक्षात नारद को देख रहे हैं, वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से। मैं यहाँ भगवान भोलेनाथ को वंदन करने आया हूँ। भगवान भोलेनाथ, अब आप ये शिवयोगी का रूप त्याग कर साक्षात महादेव का रूप धारण करें, हम सब आपके साक्षात दर्शन पाकर धन्य हो जाएंगे। शिवयोगी का कार्य इस समय पूर्ण हुआ ना, अब हमें यहाँ मूल रूप धारण करने में कोई आपत्ति नहीं। प्रभु शिव शंकर। भगवान शिव। हे देवाधिदेव महादेव। हे त्रिलोकीनाथ। हे कैलाशपति। हे भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ। आपकी जय हो। आपकी जय हो। आपकी जय हो। आपकी